जैसे मुस्लिम कोई व्यक्ति आता है तो हमने तो इसलिए आधार कार्ड लिए जा रहे हैं क्योंकि कोई हिंदू ही रहे, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है तो वो अच्छे से मनाए, कोई दंगे फसाद ना हो, इसलिए हम मक्का गए हैं। गए मदीना, आपको घुसने मिला है अंदर मस्जिद में, आप जाते हैं बताइए ना, आपको एंट्री है वहाँ बगैर आधार कार्ड? आधार कार्ड सहित आपको एंट्री है क्या? खराब टाइप के लोग होते आ जाते, अपनी लड़कियों को परेशान करना, फोटो निकाल लेना, कुछ उल्टा सीधा, इस वजह से ये किया गया है। कट्टर हिंदू है सर। शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है, लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, गरबा को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बवाल भी छिड़ा हुआ है। तमाम प्रकार के नेता और संस्थाएं तमाम प्रकार के दावे कर रहे हैं। इस वक्त हम एक संस्थान में मौजूद हैं जहां पर गरबा करना है तो आपको आधार कार्ड लाना होगा, बिना आधार कार्ड के यहां आपको गरबा करने की एंट्री नहीं मिलेगी। हमारे साथ आयोजक मौजूद हैं, हम जानेंगे इसकी वजह, आखिर एंट्री में आधार कार्ड ज़रूरी क्यों? जैसा कि आपको पता है कि आधार कार्ड का बहुत महत्व है कि हिंदू मुस्लिम जो चीज़ हो रही है कि लोग आते हैं और उसमें आ जाते, एक साथ घुस जाते और उसके बाद फिर दंगे वगैरह होते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हिंदू लोग अच्छे से कर सके ये गरबा, जो कि ये त्यौहार 9 दिन का रहता है और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से होए, और यही मेरी आशा है कि अच्छे से होए और आधार कार्ड इसलिए हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, कोई मुस्लिम आता है या अदर कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति आता तो क्या उसे अलाउ कर देंगे आप आधार कार्ड लेकर? जैसे मुस्लिम कोई व्यक्ति आता है तो हमने तो इसलिए आधार कार्ड लिए जा रहे हैं क्योंकि कोई हिंदू ही रहे, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है तो वो अच्छे से मनाए, कोई दंगे फसाद ना हो, इसलिए हम लोग हिंदू को ही प्रेफर करेंगे। मान लीजिए किसी का धर्म के प्रति आस्था है वो, लेकिन वो गरबा करना चाहता, चूँकि गरबा एक आस्था का प्रतीक है, यदि वो आता तो क्या उसकी एंट्री अलाउ रहेगी आपके? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं रहेगी अलाउड, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को नहीं करना, हम लोग को भी आगे भी करना, लोगों को देखते हुए कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग नहीं चाहेंगे कुछ करना। देखिए, साफ है कि जो आयोजन हो रहा है उसमें सिर्फ हिंदू धर्म की एंट्री हो, उसके अलावा कोई भी ना आए, तो मतलब सीधा सीधा संस्थान का ये रवैया है कि सिर्फ हिंदू जो समुदाय का व्यक्ति है वही गरबा करने आए, और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? राशि ठाकुर। कब से गरबा कर रहे हैं आप? 1 तारीख से। अच्छा, प्रैक्टिस शुरू हो गई है? जी सर। अच्छा, ये चीज़ मालूम हुई, तमाम प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं कि गौमूत्र पीकर गरबा करना और गंगा जल छिड़का जाए, कैसे देखते हैं आप इसको? सर, मैं कैसे देखती हूँ? हाँ नहीं, मतलब क्या ये सही है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बहुत सही है। सही है, मतलब यदि आपको बोला जाए कि गंगा जल छिड़क दिया जाए आपके ऊपर और प्रसाद के रूप में गौमूत्र दिया जाए तो आप उसे ग्रहण कर लेंगे? जी बिल्कुल कर लेंगे सर, कट्टर हिंदू है सर। अच्छा, देखिए ये कट्टर हिंदू हैं, ये गौमूत्र पी लेंगे, और भी कुछ लोग हैं हो सकता है। नहीं, अगर हिंदू अपने मन की बात कर रहा है तो हिंदू कट्टर है, हिंदू कट्टर कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? मुझे अगर वो अपने धर्म को मानने की बात कर रहा है तो वो कट्टर हो गया, बाकी लोग अपने धर्म को अपना रहे तो वो कट्टर नहीं है। आप मक्का गए हैं? गए मदीना, आपको घुसने मिला है अंदर मस्जिद में, आप जाते हैं बताइए ना, आपको एंट्री है वहाँ बगैर आधार कार्ड? आधार कार्ड सहित आपको एंट्री है क्या? नहीं है, तो इतना मुद्दा बनाने का मुझे तो नहीं लगता कोई औचित्य है, बाकी फिर सबके अपने अपने व्यूज हैं, सब अपने हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और है कि मतलब एक भाजपा नेता, उन्होंने कहा है कि गौमूत्र पीकर गरबा कर सकते हैं, क्या आप सहमत हैं इससे? क्या दिक्कत है गौमूत्र पीने में? बस ये है कि देखो, मेन तो इस वजह से किया है कि गरबे में कई ऐसे लोग आ जाते हैं, उठपटांग कमेंट्स करना, फ़ोटो निकालना लव जिहाद टाइप का, इसलिए ये सब चीज़ें की है। बाकी इसका ये नहीं कि माता की आराधना से, गौमूत्र या गंगा जल से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, और कोई आपके मन में ये होना चाहिए। बाकी ये सिर्फ उन लोगों के लिए किया है जो खराब टाइप के लोग होते आ जाते, अपनी लड़कियों को परेशान करना, फ़ोटो निकाल लेना, कुछ उल्टा सीधा, इस वजह से ये किया गया है, बस इसलिए। मोटे तौर पर हम देखें, इसके पीछे की वजह सिर्फ ये है, आधार कार्ड की एंट्री इसलिए लाई गई है कि जिसमें जो दूसरे समुदाय के लोग हैं छेड़खानी ना हो, किसी प्रकार की समस्या आयोजनकर्ता को ना हो, इसको लेकर आधार कार्ड की यहाँ पर एंट्री ली जा रही है। बहरहाल, यह कितना सही है, यह गलत कितना है, यह फैसला आपको करना है। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।